मॉर्निंग गाइस, और आज दीपक क्या कर रहे हैं? तो वेलकम, पहले तो सबसे पहले वेलकम टू आवर चैनल। और आज सुबह उठते से ही बहुत ज्यादा टेंशन्स जो है वो स्टार्ट हो गई है क्योंकि वो फाइनल दिन आ गया है जब हम लोगों को जाना है। सामान लेके जाना है, मतलब अभी इनिशियल एक वीक का सामान लेके जाना है। और आज ड्राइव भी करना है, कल से चीजें जो है बहुत सारी चीजें, आज बहुत सारे काम है, आज पैकिंग, फाइनल पैकिंग करनी है, एटलीस्ट इनिशियल वन वीक का, बाकी सब यही रहेगा। नेक्स्ट वीक फिर वापस यही आएंगे, बट ये वीक के लिए पूरा पैक करना है सब, गाड़ी में से टायर्स निकालने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। तो, वो तो अभी अपन जब ब्लॉग करेंगे दिखाएंगे। अच्छा ये बताओ दीपक, ये कोरोना वैक्सीन का क्या अपडेट आया है जर्मनी में? ये वैक्सीन उन्होंने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है 27 दिसंबर से यहाँ पर हमारे स्टेट में। तो अभी हमें इन्फॉर्मेशन आई है, कल ये लेटर आया है कि आपको क्या क्या, मतलब क्या स्टेप्स होंगी, आप किस ग्रुप में आते हो और मतलब वैक्सीनेशन की फर्दर प्रोसेस क्या होगी। और उसमें ये भी लिखा है कि कंपलसरी नहीं है, अगर आपको करानी है तो करा सकते हो, नहीं तो नहीं, और फ्री है वैक्सीन यहाँ पर। और बाकी की इन्फॉर्मेशन वो भेजते जाएंगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो हमें लगा कि लेटर, जैसे हमने देखा यहाँ का जो गवर्नमेंट का लेटर आया, मिनिस्ट्री का लेटर, हमें लगा यार ऐसा ना हो हमें ये लगा दे वैक्सीन, डर लग रहा है यार, अभी बहुत ऐसे चीजें सुनने में आ रही है ना। हाँ, अभी तक पूरा क्लियर डेटा नहीं आया है ना कि क्या इसका रिएक्शन है और क्या, वो स्लोली पता चलेगा, पर अभी हमारा नंबर आने में लगेगा एटलीस्ट 1 ईयर प्रॉब्ली। तो जो लोग जर्मनी में रह रहे हैं आपके यहाँ भी आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो वार्डन वॉटेनबर्ग में आ गया है, होपफुली आपके यहाँ भी ऐसा लेटर कोई आया होगा, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करना। बाकी आज चलो देखते हैं, थोड़ा बिजी दिन रहेगा, पर बी विद अस, जाने भी वाले हैं हम दूसरी सिटी में सामान लेके, वहाँ का एयरबीएनबी में देखने वाले हैं, वो भी देखना आप यहाँ के एयरबीएनबी कैसे होते हैं जिसमें हम एक हफ्ते रहने वाले हैं अभी जो नेक्स्ट हफ्ता है। और वहाँ वो जगह भी दिखाएंगे, है ना, जब शाम को फ्री होंगे तो वो जगह भी दिखाएंगे। तो और आप लोग क्या सोच रहे हो इस टाइम पे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे क्योंकि हम भी कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। तो नीचे कमेंट करना क्या क्या क्वेश्चंस है, मैं जरूर, ये जैसे ही सब कुछ खत्म होगा मैं सब आपके जो भी अजम्पशंस थे, आप जो भी सोच रहे हो उसको हम लोग क्लियर करेंगे, है ना, सारी चीज आपको बताएंगे। चलो फिर दीपक, अब नेक्स्ट क्या? चलो भैया, काम करना है, पैकिंग करनी है भयंकर। वो देखो पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है भयंकर तरीके से, यहाँ भी सब बिखरा हुआ है, बट यहाँ मतलब जब भी हम आज इवनिंग तक जाएंगे तब तक ये पूरा जो है वो साफ कर लेंगे। तो अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं, तो जो भी अच्छे अपार्टमेंट हमें थोड़े अच्छे दिख रहे हैं उसमें वो लोग शुफा क्रेडिट मांग रहे हैं ना, यही बोलते हैं ना, शुफा रिपोर्ट मांग रहे हैं, बेसिकली क्रेडिट रिपोर्ट है उसका टर्म है यहाँ पर। एंड यहाँ पर एक एप्लीकेशन, मतलब एक घर के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, 80-100 से ज़्यादा, तो इसी के बेसिस पर ये लोग चेक करते हैं आप कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, आपका क्रेडिट लिमिट क्या है, आपने टाइम टू टाइम सब यहाँ पर क्लियर करा है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है ना, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर वो लोग करते हैं। तो अब पता नहीं, अभी मुझे ये सब चीज़ें पता नहीं था, जैसे जैसे मैं प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। प्लस एक चीज़ और यहाँ पर मैंने देखी कि यहाँ पर जैसे हम लोग इमोबिलियो वेल्ट और इमोबिलियो स्काउट से घर ढूंढ रहे हैं ना, तो वहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ वो लोग प्राइम मेंबरशिप मांग रहे हैं, तो अगर कोई घर अच्छे लग रहे हैं तो वो तभी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास उसकी प्राइम मेंबरशिप है। और उसका जो कॉस्ट है वो अगर आप 6 महीने तक लेते हो तो 19 यूरो पर मंथ होता है, और अगर सिर्फ 2 महीने का ले रहे हो तो 30 यूरो पर मंथ होता है। और आपको जो शुफा
कि जो रिपोर्ट चाहिए अगर आपको वो इमीडिएटली चाहिए अभी तो उसका कुछ 30 यूरो कॉस्ट होता है। तो मतलब घर मिला नहीं, उससे पहले ही ये सारे जो चीज़ें हैं वो करनी पड़ रही है। तो आई होप मैंने आपको बता दिया, आपको पता चल गया और मुझे भी पता चल गया अभी। चलो यार पैकिंग कर लेते। दीपक, मैं भड़बड़ा रही हूँ, है दीपक? क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैंने सिर्फ इतनी देर में अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाई और कुछ भी नहीं किया। फाइनली निकल रहे हैं। कितना टाइम हो गया? 9 बज गया रात को। कब निकलने वाले थे आप? दोपहर में 2 बजे। वाओ, क्या सही प्लानिंग करी है। चलो दिखा, और आप लोगों को ये भी दिखाते हैं क्योंकि 8 बजे के बाद कर्फ्यू है, देखते हैं पुलिस हमें पकड़ती है या नहीं। इम्पोर्टेंट है हाँ। तो चलो अभी जब रास्ते में कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल आपको रास्ते में दिखाते हैं क्या होता है। चलो फिर। एंड यस, बहुत सारा सामान है वहाँ पर पैक। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मुझे बता दिया है, वैसे इंस्टाग्राम पे मैं पहले अपडेट करूँगी, तो अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और वो सामान सारा पैक है और बहुत सारा सामान है। सो या चलो एंड देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अपनी गाड़ी उठाने गए थे और कोई भी नहीं था, एक भी इंसान बाहर नहीं दिख रहा था। अब चलो देखते हैं पुलिस पकड़ेगी कि नहीं। पुलिस पकड़ेगी तो मज़ा आएगा, एक नया एक्सपीरियंस होगा, बट हम लोगों के पास एक वैलिड रीज़न है तो हम लोगों को ज़्यादा कुछ तो नहीं करेगी पुलिस, बट स्टिल चलो। फाइनल बाय बाय, ऐसा लग रहा है। सो हम लोग पेट्रोल पंप पे हैं, यहाँ तो लोग दिख रहे हैं, पेट्रोल पंप पे तो अच्छे खासे लोग दिख रहे हैं। तो दीपक और मैं बात कर रहे थे तो ये यही बोल रहा है कि अगर किसी के पास वैलिड रीजन है तो वो जा सकता है, 8 बजे के बाद भी जर्मनी में लॉकडाउन है तब भी, देन ये अच्छी बात है कि हाँ जा सकते हैं। तो या बट हाँ, लोग दिख रहे हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल भी डलवा रहे हैं, तो दैट्स नॉट टू वरी अबाउट, बट स्टिल देखते हैं आगे चलेंगे तो और कोई इंक्वायरी होती है या कोई पूछता है या नहीं, विल सी। लेट्स रॉक बेबी, लेट्स रॉक बेबी, हनी सिंह का चचो हनी सिंह। सामान ला के अब रखेंगे, अब मिलते हैं कल। तो आप लोग जैसे कि मैं बोला, इस जर्नी में हमारे साथ रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज हम दूसरी जगह आ गए हैं, ये देखो वाओ, थोड़ा बहुत दिख जाएगा, बाकी कल मिलते हैं, कल और बाकी सारी अपडेट दे दें। बाय बाय, टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और दीपक क्या करने वाले इसको सबसे पहले ये खिड़की बंद करनी है, और खिड़की कैसे बंद करनी है वो देख रहा है। बाय बाय।
बैठा हूँ गाड़ी में, आ गया हूँ मैं सुरभि को लेने, और सुरभि गई है वहाँ सामने वाली बिल्डिंग में और आकर बताएगी वो क्या रीज़न है उसका। मैं आपको दिखाता हूँ बिल्डिंग।